फ्रेंड, आज इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम बटन का कनेक्शन करना, सिंगल चैनल और डबल चैनल बटन के दोनों के कनेक्शन बता दूंगा। किसी भी एम्पलीफायर को वॉल्यूम लगाना जरूरी होता है, जिससे कि हम आवाज़ को हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो वॉल्यूम कनेक्शन करना बहुत ही ईजी वे में बता दूंगा, बहुत ही आसान भी होता है। देखिए, जो हमारे पास ब्लूटूथ पैनल होता है, इससे हमारे तीन तार निकलते हैं। जो हमारे पास इस जो सबसे लास्ट वाला ये रेड कलर का वायर रहता है, जो ये हमारा FM एंटीना का रहता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। और जो इसका बीच वाला पॉइंट होता है, वो होता है हमारा कॉमन वाला। कॉमन बोली तो मतलब कि हमारा GND ग्राउंड ग्राउंड वाला पॉइंट होता है। इसके बाद हमारा इस पर हमारा साफ साफ लिखा हुआ भी होता है कि कौन सा हमारा GND है और कौन सा हमारा जो है लेफ्ट राइट है। तो हमारा इस साइड का जो है लेफ्ट है और इस साइड का जो वायर है राइट है। तो राइट लेफ्ट ये सिंगल होते हैं। इसको हम क्या है कि वॉल्यूम पर देते हैं। तो वॉल्यूम पर देने के लिए हमको कहाँ कहाँ देना होगा, तो वॉल्यूम के मैं बटन समझा वॉल्यूम का पॉइंट समझा देते। देखिए, दो पॉइंट हमारे ये होते हैं, ये दो पॉइंट होते हैं, इससे हमारा सिग्नल इनपुट होता है। और बीच के दो पॉइंट होते हैं, जिनसे हमारे लेफ्ट राइट जो सिग्नल, देखिए जैसे हम इस पर लेफ्ट सिग्नल देंगे तो हमारा इसके दो नंबर पिन से हमारा लेफ्ट सिग्नल आउट होगा, और इस पर हम राइट देंगे तो राइट सिग्नल हमारा इसके दो नंबर पिन से हमारा सिग्नल आउट होगा। तो अभी हम इसका कनेक्शन करना बहुत ही समझा देते हैं कि देखिए, जो हमारा कनेक्शन होगा तो ये यहाँ पर होना है, तो हम इनको कनेक्शन करके कर देते हैं। तो मैं इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देता हूँ। ये देखिए, हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है, और इसका भी जो लेफ्ट राइट का सिग्नल है, तो राइट वाला सिग्नल को भी मैं इसकी इस वाले टर्मिनल पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देता हूँ। बात आती है कि अभी ये हमने इसका कनेक्शन कर दिया है बहुत इजी और आसान तरीके से, जिसका आउटपुट वाला है। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, मेरे पास ऑरेंज कलर की और येलो कलर के दो वायर हैं। तो हम इसके यहाँ से हम दोनों जो इसके दो पॉइंट होते हैं, बीच के दो पॉइंट होते हैं, इनसे हमारा जो सिग्नल आउट होता है, तो हम इन पर कनेक्शन कर लेंगे। तो ये बात आप बहुत ही आसानी समझ जाएंगे, बहुत ही आसान इसका कनेक्शन है, कोई भी देखकर इसको कर लेगा। क्योंकि देखिए, हमारे जो इसका तीसरे नंबर पिन होते हैं, इनसे हमारा तीसरे नंबर से हमारा जो सिग्नल इनपुट होता है, जो बीच वाली दो दो नंबर के पिन होते हैं, उनसे हमारा सिग्नल जो है आउट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन रहता है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो आप फिर तो मान लीजिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये देखिए, इस पर हमने सोल्डरिंग कर दिया है, और इसके बाद अब मैं इसके नीचे वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दूंगा। तो ये देखिए, मैंने इस पर भी सोल्डरिंग कर दिया है जो हमारा। अब मैं इसका कॉमन वाला पिन बता देता हूँ कि कॉमन वाला पिन कौन सा है। कॉमन वाला पिन है हमारा सबसे तीसरे जो एक नंबर की पिन ही होती है, दोनों दोनों के ऊपर नीचे चैनल के। तो हमने एक साथ उनको मिला लिया है, ठीक है, एक साथ हमने उनको मिला लिया है। ये देखिए हमने एक साथ मिला लिया। इस पर हम जो इसका ग्राउंड है और जो हमारे पैनल का जो ग्राउंड है, एक साथ हम उनको लेकर इस लास्ट वाले पॉइंट पर जो हमारा एक नंबर का पिन है, उनको दोनों को हमने आपस में मिला लिया है। उस पर एक कॉमन पर हम इसको कनेक्शन कर देंगे सिंपली। अभी बताता हूँ कि आप, ये देखिए हमने इसका कनेक्शन कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो अभी देखिए, हमारा जो आउटपुट वाला पॉइंट है, तो हमारे देखिए मैं बता देता हूँ कि आउटपुट में, देखिए आउटपुट में क्या है कि हमने दो वायर कनेक्शन किया है, एक येलो कलर का एक ऑरेंज कलर का, तो वो हमारी आउटपुट हो जाएगी। और जो हमारा ग्रीन कलर का होगा, जो भी हमको एम्पलीफायर में कनेक्शन करना होगा, उस पर हमारे ग्राउंड वाले पॉइंट पर वो सोल्डरिंग होगा। और जो हमारे जो जहाँ पर सिग्नल ऑडियो सिग्नल इनपुट करना होगा, तो हम ये दो वायर कोई भी दोनों सिग्नल, अगर हमारे पास दो दो IC वाला चैनल, मतलब दो 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 चैनल वाला अगर एम्पलीफायर है, तो हम इस पर दो चैनल के लिए ऑडियो सिग्नल अलग अलग देते हैं। तो ये एक सिग्नल एक चैनल पर कनेक्शन हो जाएगा, एक चैनल के लिए एक सिग्नल कनेक्शन हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए हैं। देखिए, मैं फिर समझा देता हूँ। जो ब्लूटूथ पैनल से हमारा जो बीच वाला वायर होता है, वो होता है हमारा ग्राउंड, और जो लेफ्ट राइट चैनल होते हैं, इसके जो हमारे तीसरे नंबर है, तीसरे नंबर के ये दोनों ऊपर नीचे हमारे सिग्नल इनपुट के होती है, और जो हमारी दो नंबर की पिनें होती हैं, ये होती हैं हमारी सिग्नल आउटपुट। तो हम इनसे सिग्नल आउटपुट कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद जो हमारा ये सबसे एक नंबर की पिन होती है, हमारे ग्राउंड वाली पिन होती है, इसको ग्राउंड ग्राउंड के साथ मिला लेना है। सभी ग्राउंड एक ही साथ कनेक्शन होता है, किसी में भी हो, ग्राउंड एक ही साथ सभी जगह कनेक्शन रहता है, तो आप एक ही साथ कनेक्शन कर लीजिए। तो अभी जो आपका आउटपुट वाले पॉइंट है, देखिए हमारा एक ग्रीन कलर का वायर जो ग्राउंड है, और येलो कलर का वायर एक चैनल के लिए, दूसरे चैनल के लिए हमारा ऑरेंज कलर का वायर। तो आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पर जो जानकारी हमने दी है, आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।